नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फैदाबाद के आबकारी विभाग की ओर से गटर में बहाई गई 50 लाख की अवैध शराब। विभाग की ओर से अवैध शराब तस्करों को पकड़ कर बरामद की गई थी ये 44,000 बोतलें। पिछले दिनों रखा गया स्टॉक भी नष्ट कर दिया गया, जिसमें देसी शराब, अंग्रेजी और बियर की बोतलें शामिल है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आबकारी विभाग की ओर से आज सुबह लघु सचिवालय स्थित एक्साइज विभाग के कार्यालय में टॉयलेट में बहा दिया गया शराब का पूरा स्टॉक। बहाई गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें 42,537 देशी शराब की बोतलें हैं और 352 बोतलें अंग्रेजी शराब की है, जबकि 746 बोतलें बियर की शामिल थी। वही जानकारी देते हुए आबकारी एवं कारादान विभाग के अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि भारी मात्रा में यह शराब अवैध रूप से कारोबार के रूप में लाई जा रही थी, जिसे पुलिस टीम और आबकारी विभाग की ओर से पकड़ लिया गया। वह आज नष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से टीमें बनाकर अवैध शराब की तस्करी को रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से यह अभियान हमेशा जारी रहेगा। इसी के साथ देखते हैं पल पल की एक खास है। ये एक्साइज दफ्तर में डिस्ट्रैक्टरी की जा रही है, ये मतलब पुलिस ने एक्साइज विभाग ने मिल के पकड़ी है, जो देसी की 42,537 बोतल है, अंग्रेजी की 352 है, बियर 746 बोतल जो कल के लग रहे हैं, आज शाम तक या कल तक हो जाएगी। तो इस शराब का क्या किया जा रहा है? गटर में बहाया जा रहा है जिसको? हाँ जी, गटर में बहाया जा रहा है। तो ये अभियान लगातार जारी रहेगा जी? हाँ, जारी रहेगा। तो कहाँ से पकड़ी थी ये शराब? ये जिले में इधर से उधर कोई अवैध शराब। तो क्या प्रक्रिया क्या होती है इसकी डिस्ट्रॉय करने की? ये मतलब ETC से, जॉइंट कमिश्नर से इजाजत ले गए। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र सिंह।